सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन पर हर किसी की आंखें नम हैं, चाहे वो नेता हो या फिर उनकी कंपनी के कर्मचारी। आज उनके चाहने वालों के पास अंतिम दर्शन का आखिरी मौका है। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। आम लोगों से लेकर वीआईपी तक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात तक सहारा शहर में उनकी आखिरी झलक पाने के लिए समर्थकों का तांता लगा रहा। जानकारी के मुताबिक सहारा श्री के अंतिम संस्कार में उनके बेटे और पत्नी शामिल नहीं होंगी। माना जा रहा है कि वो तीनों विदेश में हैं, इस वजह से उनके लखनऊ पहुंचने की संभावना कम है। बताया जा रहा है कि 16 साल का उनका पोता सुब्रत रॉय को मुखाग्नि देगा। हैरत की बात है कि आखिरी दिनों में इतनी बड़ी कंपनी के मालिक सुब्रत रॉय जब बीमारी के दर्द से कराह रहे थे, तब उनको न पत्नी का साथ मिला न ही दोनों बेटों का, और अब अंतिम संस्कार में भी शायद उनके बेटे ही उन्हें कांधा ना दे पाए। बता दें कि सुब्रत रॉय का पार्थिव देह शाम करीब 5 बजे सहारा शहर लाया गया था। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान लोगों की आंखें नम हो गई थी। इस दौरान हर कोई बस सहारा प्रमुख को याद कर रहा था। सहारा श्री से जुड़े किस्से एक दूसरे से साझा कर रहे थे लोग। दुनिया में हर कठिनाइयों का सामना करने वाले सुब्रत रॉय मंगलवार को बीमारी से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। 75 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि रॉय कैंसर से जूझ रहे थे। इसके अलावा उन्हें बीपी और शुगर की भी समस्या थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।